मानव सेवा ही माधव सेवा के उद्देश्य से धनबाद के एक सामाजिक सेवी व्यक्ति राजू ने कुष्ठ परिवार के बीच बैग का वितरण किया। अभी काम कर रहे हैं। वहीं एक राशन की दुकान चलाने वाला अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था कि अचानक रास्ते में देखा कि कुष्ठ परिवार के लोग चावल लेकर जा रहा था कि अचानक उसकी चावल रास्ते में गिर गई। उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तय किया कि आज से इन कुष्ठ परिवार का अनाज बर्बाद नहीं जाएगा। इसी उद्देश्य से आज मैंने कुष्ठ परिवार के बीच थैले का वितरण किया। देखिए, जब कोई घटना होता है तो घटना से ही विचार उत्पन्न होता है, बिना घटना हुए तो विचार उत्पन्न होगा नहीं। तो इस प्रकार एक घटना हुआ था मेरा साथ, जो हमने रास्ता में देखा, जो उस गरीब का चावल गिर चुका था, बहुत से लोग आए और गिए, किसी ने कहा कि चावल को मत उठाओ, किसी ने देखा नहीं और किसी ने नजरअंदाज किया। मैंने 5 मिनट रुका वहां, मैंने देखा वो कष्ट से जो है वो नीचे वाले चावल को उठा रहे हैं, तो ये मेरे मन में बहुत से दर्द हुई, तो हमने विचार किया कि झोला देना चाहिए। अचानक इसी दरमियान जो बूढ़ी माँ, जो अभी जिसको हमने टिफिन कर ही दिया, वो आई रोके बोली मेरा चावल गिर जा रहा है। तो हमने बोला बहुत अच्छा विचार है, तुरंत एकदम हमने निर्देश दिया कि जितने भी कपड़े हैं सोफे के पुराने नए सबको धो, आई लोग को झोला देना चाहिए, इन लोग का चावल को रोकना चाहिए। यह अभियान हमने चालू किया सर, ये प्रत्येक हफ्ता झोला मिलेगा, पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी सुन रहे हैं न्यूज के माध्यम से, अगर उनके पास भी जा रहे हैं, उन लोग पास अगर झोला नहीं है वो कृपया मेरे पास भेजे। प्रत्येक बुध को मेरे पास झोला का वितरण होता है, जो हमारे सोफा देख रहे हैं आप, और भी कपड़े मेरे पास है, बहुत से झोले बच गए हैं, तो जिनको आवश्यकता होगी आप जो देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से, आप मेरे पास भेजे और झोले उन लोग को दूंगा, उन लोग को चावल को मुझे रोकना है, बस यही मेरा अभियान है सर। सामान है जो उनके लिए नहीं है, काम के लायक नहीं है, तो इन लोगों के लिए बहुत आवश्यकता है, जो आप फेंक रहे हैं ये लोग इंतजार है उस सामान के लिए जो मैं फेंकने वाला था, जो बहुत सा काम हो गया इन लोग का, चावल का हमने बचा दिया। मैं अकेले हूँ, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं